हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सब। आज के सेकेंड दिन तुम्हारे पार्ट वन वीडियो कम लगल अवश्य कमेंट कर जानियो। तो आज के स्पेशल तुम्हारा अने के जिससे जानो से जगह देखले आशा करी खूब भाव लगे। हिस्टोरिक अनेक घटना आज सब डेस्क्राइब करब। तो चलो आ देरी को लाभ नहीं, मोटामोटी सकाल साढ़े नौटा बजे तो सारा दिन मोटामोटी प्लान सर देखते बोले ना पूरा वीडियो देखते थक। तो जैक हमारे गाड़ी रेडी सकाल बेला ठंडा अल्प বেশি না, আমাদের পুলিশ মানে রেডি। হাই, मूर्ति को देख के ही नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाया हुआ है सर्वप्रथम। हाँ, मुझे पता है क्योंकि मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। हमारे नालंदा टिकट काटा कम्प्लीट, भीतर मास्क छाड़ा एंट्री नहीं, मास्क अवश्य पड़ते हैं। तो आगे एक खावा दावा करनी और टिकट देखा 40 करे टिकट। ये देखो टिकट कैमरा जो काटे ना। ओहो, कैमरा जो एक पैसा काटते हैं, कैमरा अलाउड नहीं भेतरे। যদি আপনি নিয়ে যেতে চান তাহলে 25 টাকা টিকিট, যেটা এখান থেকে টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। এক্সক্যাভেটেড গেট আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। এটার নাম চটপটি, ঠিক আছে। এটা যে চামচের স্টাইলটা একটুখানি অন্যরকম, সেটা এটা কিসে কি পাতা, এটা যেটা পাতা হবে ডিফারেন্ট চাই। যাই হোক, সুন্দর এটা টেস্টফুল আই থিঙ্ক মনে হচ্ছে। চলো খেয়ে দেখি। আমরা এখন যাচ্ছি ইন্ডিয়ার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ইউনিভার্সিটি, যেটা ছিল নালন্দা ইউনিভার্সিটি। তোমরা সবাই শুনেছ যেটা নালন্দা ধ্বংস হয়ে গেছে, বক্তিয়ার খিলজি ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে। সেই রুইন্স অফ নালন্দা, সেই ধ্বংসাবশেষটা কী অবস্থা এখন বর্তমানে রয়েছে সেটা তোমাদের আজকে দেখাবো। সো চলো দেখতে থাকো। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া নালন্দা। দেখা যাচ্ছে বিশাল সুরঙ্গ আছে। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूं और आपको नालंदा में स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का अर्थ ही नहीं मालूम होता है, क्योंकि हर नाम के पीछे कोई ना कोई मीनिंग्स होते हैं, है ना। जैसे आपके नाम के पीछे भी कोई अर्थ है, उसी तरह से इसका नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है जो पाली वर्ड जो वी से लिखा था, ऐसे ऐसे बिहार बी से लिखा था, है ना। और पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में होता था। पाली बोलचाल की भाषा थी और नालंदा दो शब्दों का मेल से बना है, पहला नालम और दूसरा दा। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं आप लोग, जिसको पद्म फूल भी बोलते हैं। और दा यानी कि गिव, वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। क्लियर। आज से 1600 बच्चर पहले नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। 1600 बच्चर पहले, 5th century AD में, यानी कि पंचम शताब्दी में, कुमार गुप्त के द्वारा। तो कुमार गुप्त किनके पुत्र थे बोलो? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते क्योंकि एक मौर्य डायनेस्टी में भी, वो तो अलग, इसलिए मैंने सोचा कि क्लियर करते हैं। 5th century AD में, ठीक है। और जिस समय गुप्ता डायनेस्टी थी उस समय भारत को गोल्ड डायनेस्टी कही जाती, गोल्डन एज, है ना। सेकंड आए हर्षवर्धन, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन थे और हम लोग हर्षवर्धन के ही पीरियड पे चलेंगे। 7th century AD में वो कन्नौज के थे जो यूपीएस के, तो 600। फिर तीसरे राजा आए देवपाल, जो बंगाल के राजा देवपाल थे, पाला डायनेस्टी थी। देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, धर्मपाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सोमपुरी। और यहाँ से कितना दूर है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला तो आप होकर के ही आए होंगे, भागलपुर से। भागलपुर,
भागलपुर में है विक्रमशिला, मतलब अभी कहलगांव में अभी भी है ना, अभी भी हाँ छोटा सा रिंस है। बारहवीं शताब्दी यानी कि 12th सेंचुरी एडी में इसे डिस्ट्रॉय किया गया था तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के जी। तो बताया जाता है कि 6 month बर्निंग, 6 महीने तक किताबें जलती रही थी, पूरी यूनिवर्सिटी जलती रही थी, लेकिन कहीं कहीं जलने का जो प्रमाण मिला है वो 6 महीने तक मिला, ये ना कि पूरा 6 महीने तक जला है, क्योंकि ऑलरेडी क्यों जला है वो मैं अंदर में बताऊँगा कैसे जला है। 6 month बर्निंग क्लियर। ये जो गेट देख रहे हैं यहाँ से, ये सब जो पार्ट्स देख रहे हैं रास्ते में देखे होंगे, चौकोर दीवार जैसा है ना, ये टेम्पल है, ये सब 74 से 82 तक हुआ था, यानी कि उस समय हमारा देश आजाद हो गया था, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जो रास्ता यहाँ बना हुआ है ये एक्सकवेशन, ये सब जो पार्ट्स है, अच्छा ठीक है ना, यानी कि 8 साल में ये हुआ है। यहाँ से लेकर के ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये 22 years में हुआ, उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, 1915 से लेकर के 37 तक, तो 22 साल हुआ ना। तो कहने का अर्थ हुआ 10% में लगा है 30 साल। अभी इसकी जो बाउंड्री है 1 square kilometer में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हेनसांग डायरी, हम लोग जीके में ये भी पढ़े हैं कि भारत आने वाला पहला चाइनीज कौन है, पहला था फाइयान जो 5th century AD में आया था, दूसरा था हेनसांग 7th century AD में आया था, और हर्षवर्धन के पीरियड में आया था। उन्होंने 6 साल स्टूडेंट लाइफ में और 6 साल प्रोफेसर लाइफ में यहाँ जीवन व्यतीत किए थे, लेकिन पहली बार गेट कीपर के द्वारा वो फेल कर चुके थे। वो जो देख रहे हैं ना वो मेन गेट है, अभी के लिए प्रेजेंट के लिए मेन गेट है, जो दीवारों को काट करके रास्ता बनाया गया। मेन गेट का सिर्फ हम लोग हिस्ट्री समझेंगे। मेन गेट पे गेट कीपर होते थे, बोलचाल की भाषा में गेट कीपर बोल रहे हैं, लेकिन वो स्कॉलर पर्सन होते थे, वो महान व्यक्ति वो लेते थे एंट्रेंस एग्जाम, जो बच्चा सफल होता था उसी का एडमिशन होता था, अन्यथा गेट से वो पुनः अपना आदेश चला जाता था। तो पहली बार गेट कीपर के द्वारा हेनसांग फेल कर चुका था। बगल में यहाँ से 500 मीटर दूर पे है सर हेनसांग मेमोरियल हॉल, उस स्थान पे रह करके उन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया और दोबारा एंट्रेंस एग्जाम दिया, तब उनकी सफलता आने की एडमिशन हुआ। तो 6 साल स्टूडेंट लाइफ और 6 साल प्रोफेसर लाइफ। उन्होंने एक डायरी लिखी थी, उस डायरी को चाइना में दिखा गया था सर, वो पाली वर्ड में लिखा हुआ था, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया अलेक्जेंडर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, कैनिंगहम जी, उन्होंने ही इसको एक्सकवेशन किया था जो 1537 तक चला था। तो वो डायरी का नाम है शेयुकी, चाइनीज वर्ड है, ठीक है ना, लेकिन हिंदी में उसको बोलेंगे भारत और चाइना का क्या संबंध। उसी डायरी एविडेंस आधार पर इसको खुदाई किया गया, क्योंकि जब 12वीं शताब्दी में इसको नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी, तो ये पूरा मिट्टी से कवर्ड हो गया था, क्योंकि 600 सालों तक कोई नहीं यह जानता था कि ये नालंदा विश्वविद्यालय भी है। 1861 ईस्वी में वो डायरी को देखा गया था। तो अभी है डायरी? वो डायरी तो अभी नेट गूगल पे सर्च कर सकते हैं, म्यूजियम पे है? म्यूजियम में नहीं है वो, तो चाइना में, चाइना की लाइब्रेरी में। कॉपी नहीं उसका? जी नहीं, उसका तो डुप्लीकेट हम लोग कर रहे हैं सर, ठीक है ना। तो 10% अकॉर्डिंग टू हेनसांग डायरी कहती कि नालंदा का जो एरिया था 10 kilometers लॉन्ग एंड 5 kilometers ब्रॉड था, यानी कि ये 10 kilometers में फैला हुआ था, और 90% पे यानी कि 9 kilometers एरिया पे विलेज गांव बस गया, जैसे में बेगमपुर है, सूरजपुर है, बड़गांव है, सारिक चक है, ज्वाफर है, ये सब विलेज नालंदा विश्वविद्यालय के रिम्स पे बसे हुए गाँव हैं, क्लियर है। और जिस स्थान पर हम लोग घूमने आए हैं सर, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हमारे भारत में 33 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हमारे बिहार में 2 है। फर्स्ट महाबोधि टेम्पल है जो बोधगया इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा कहते हैं, दूसरा ये नालंदा रिम्स है, 15 जुलाई 2016 में यानी कि 4 साल पहले इसे भी यूनेस्को सर्टिफिकेट दिया है कि ये हेरिटेज साइट है। अभी हमारे भारत की संपत्ति नहीं, पूरी दुनिया का अभी ये संपत्ति है, जिसका प्रमाण ये आई। ये जो बोर्ड देख रहे हैं सर, ये हेरिटेज का सर्टिफिकेट है जो यूनेस्को ने दिया है ना सर, 15 जुलाई 2016 में इसे हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रही थी सर, उस समय एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था, मात्र 3 थे, फर्स्ट तक्षशिला, सेकंड नालंदा और थर्ड विक्रमशिला। तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में है, वो बीच में आया था।
नाम आप पढ़े होंगे चाणक्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है ना, तक्षशिला जी, और वो हिंदू यूनिवर्सिटी था, वहाँ राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे और वहाँ डोनेट करना पड़ता था, समझे, यानी कि पैसे देने पड़ते थे, लेकिन ये वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी जो रेसिडेंशियल था, जहाँ की रहना खाना पीना सारा व्यवस्था फ्री में था, हाँ हॉस्टल फैसिलिटी है ना, तो फर्स्ट इसका स्थान आता है सर एजुकेशन। तो सवाल उठता है सर कि इसको फ्री में कैसे चलता था, खर्च वहन कौन करता था, आशिकाना ग्राम है ना, आशिकाना ग्राम। तो बताया जाता है कि 200 विलेज राजा के द्वारा डोनेट किया गया था, जिससे राजस्व वसूली, टैक्स वगैरह जो आता था ना, लगान भी बोल सकते हैं, इसी से नालंदा विश्वविद्यालय चलता था और घटने पे राजा के राहत कोष से दिया जाता था। लेकिन गांव-गांव जो बौद्ध भिक्खु थे यानी कि स्टूडेंट जो थे, वो गांव-गांव जाकर के भी छात्र भी किया था। मैं यहाँ पे प्रूफ करूँगा सर कि कैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। एक एक छात्र एक एक घर थक तो ये फर्स्ट फ्लोर है। ये जो देख रहे हैं एक कमरा है सर, ये डोर है, दरवाजे हैं, एक बच्चे के लिए, मैं क्लियर कर दूंगा, चलेंगे कमरे के अंदर भी, यहाँ पे नहीं लेकिन अगले स्पॉट पे। ये एक कमरा है सर, जितना दिख रहा है उतना ही ये और डीप है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो सीधा डोर दिखता है सर, नीचे की ओर भी डोर दिखाई देता है, इस लेवल को मिलाते हैं तो हम लोग स्पष्ट होते हैं कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है जी, यहाँ भी दरवाजा। तो गुप्ता डायनेस्टी, हर्षा डायनेस्टी और सीढ़ी से ऊपर का जो लेवल है वो पाला डायनेस्टी है, पाल जी, क्लियर है। अच्छा, गुप्ता और हर्षा पाला। अच्छा, मतलब गुप्ता और हर्षा ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये वाला, यानी कि जैसे जैसे किंग आते गए इसको डेवलप करते चले गए, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल ब्रिक्स हैं, लेकिन लग रहा है कि एक दूसरे पे सिर्फ रखी हुई है, है ना, ये सीमेंट है, क्योंकि उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो सवाल उठता है कि ये ब्रिक्स में क्या मटेरियल डाला गया जिससे ये चिपका हुआ है और 1300 साल पुराना, 1600 साल पुराना और 1100 साल पुराना दिखाई देता है। ये चुन सुरकी है, आप लोग बोलते हैं चुन सुरकी, बेले आठा, बेलो डाल और आखे रस, हम लोग बोलते हैं चूना सुरकी, बेल का गुदा, उरद का दाल और गन्ने का रस, जिसको गुड़ छोबा बोलते हैं। क्या क्या एक बार बोलिए, चूना सुरकी, बेल का गुदा, उरद का दाल और गन्ने का रस, जिसको गुड़ छोबा भी बोला जाता है सर। कहीं भी आप चले जाइए पुराने किले पे तो यही चीज मिलेगा सर। हेलो, मेरी आवाज़ ट्रांसफर हो रहा है सर, इको हो रहा है, हेलो, रिटर्न आवाज आ रही है, इसका मतलब क्या होता है सर कि इको 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 होता है सर, खुली जगह में इको तो नहीं होता है, खुला जगह में कहीं इको होता है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें ऐसी बनाई गई थी और ऐसे कमरे बनाए गए थे कि नेचुरल और साउंड प्रूफ बनाया गया था। कहने का अर्थ हुआ गर्मी के मौसम में ठंड महसूस और जाड़े के मौसम में गर्म महसूस, और साउंड प्रूफ का मतलब अंदर कमरे में बात करे तो आवाज़ बाहर ना जाए, जिसका भी प्रमाण मैं दिखाऊंगा। स्तूपा वर्ड मिला है, जैसे देखिए राजगीर में विश्व शांति स्तूप है, सारनाथ में धम्मेय स्तूप है, सांची में सांची स्तूप है, केसरिया में स्तूपा है, वैशाली में स्तूप, इस तरह से हमारे भारत में ही नहीं पूरे। ये पत्थर और ये पत्थर जो देख रहे हैं ये पिलर होता था और ये रूप छत होते थे, ठीक है। उस समय छत जो होती थी लकड़ियाँ का होता था, काठ का होता था, ठीक है ना, उस पर चून सुरकी का ढलाई किया हुआ रहता था, वो तो जल गया, ठीक है ना। अभी आपका क्वेश्चन आ रहा था कि ये क्या है ना, ये ग्राउंड लेवल है, हम लोग पढ़े इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े ना, हमारे नालंदा में भी ड्रेनेज सिस्टम मिला है और गलियारे मिले हैं, वहाँ भी मिला था और हमारे नालंदा में, तो 1600 साल पहले हमारे यहाँ का इतना सॉलिड ड्रेनेज है कि अभी भी कितना भी बारिश क्यों ना हो पानी रुकता नहीं है सर,
सीधा निकल जाता है बाहर की ओर। अच्छा वो तो वो जी अंदर चलेंगे तो और भी ठीक होगा। देखिए मैं बता रहा था ना कि हर हॉस्टल के अकाउंट पे आपको कैंपर मिलेगा। अच्छा कहने का अर्थ हो प्रार्थना करते ही हॉस्टल बुद्धम शरणम गच्छामि इतना श्लोक पढ़ लो। और अभी भी देखिए सर दीवालों पे जलने का निशान आपको दिखाई दे रहा है। वार्निंग पॉइंट क्लियर है सर। अच्छा ये टेंपल टेंपल मंदिर है ना। हाँ। मंदिर का मूर्ति सब म्यूजियम तो किसे स्पर्शी है। जैसे देखिए ये जला हुआ है ना सर। हाँ हाँ है ना। हाँ। इसके अंदर का जो ये पार्ट्स देख रहे हैं ये चुन सुर की है सर। चुन सुर की ऑलरेडी जो लाइम स्टोन होते हैं वो ज्वलनशील होता है। हाँ। है ना। एक बार आग पकड़ने से कई दिनों तक आग पकड़ी हुई रहती है, इसलिए बताया जाता है 6 मंथ बर्निंग। ये नहीं कि पूरी दीवार जला है वो चुन सुर की जला, ये नहीं जलने जलेगा। यहाँ पे आग लगी हुई है तो ये थोड़ा सा वो हो गया है, इसीलिए चुन सुर्की का बताया जाता है कि अंदर वाला मटेरियल ज्यादा जी। ये कमरा और इसके बगल का ये जो कमरा है ये स्नानागार है और ये ड्रेनेज है। अरे भाई जब बात नहीं लगी सर ये पूरे से ये रेनोवेटर सिर्फ रेनोवेटर ओरिजिनल नालियां भी आपको दिखाऊंगा सर। ये स्लिप देख रहे हैं ना, ये 50-60 साल में टूट रहा है। सीमेंट है जो 50-60 साल में टूट रहा है। ये देखिए सर ये रेनोवेटेड है जो 50-60 साल में टूट रहा है। हाँ। लेकिन चुन सुर्की का ओरिजिनल ब्रिक्स वो है वो रेनोवेटेड है सर। ऊपर का रेनोवेटेड है ये ओरिजिनल है। यहाँ से लेकर के ये सारे कमरे हैं जहाँ बच्चे रहते थे। एकटा रूम एकटा बच्चा एकटा रूम एकटा बच्चार जन्य। सिर्फ अंतर यही है सर। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे या तो बुक वगैरह रखे जाते होंगे या तो मूर्तियाँ भगवान की रखी जाती होगी, ठीक है ना। और कमरे में देखिए वेंटिलेटर नहीं होते थे, खिड़कियाँ नहीं होते थे, क्योंकि मैं बता रहा था कि नेचुरल और साउंड प्रूफ उसका प्रमाण ये दे रहा है सर। ये जो देख रहे हैं ना इसके अंदर गैपिंग है। इसके अंदर गैपिंग है जी, हाथ नहीं डालिएगा। हाँ। तो पुराना जगह है। फ्रेशमेंट रीजन टा किया जाए मैं बताऊंगा सर। चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सारा कमरा सेम है, अंदर में या तो मूर्तियां रहती थी या तो भगवान की या तो बुक्स रखे जाते होंगे। लेकिन ये जो मैंने बताया कि दीवारों के बीच में गैपिंग है, आप में से अगर कोई इंजीनियरिंग लाइन के होंगे तो आप समझ जाइएगा सर। दीवारों के बीच में गैपिंग क्यों रखा जाता है कि जो बिल्डिंग का नक्शा वगैरह बनाता है इंजीनियर उससे भी आप सलाह ले सकते हैं कि दीवारों के बीच में गैपिंग क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो इंसुलेट का काम करता है। अभी हम लोग जो थर्मस यूज करते हैं गर्म पानी में गर्म रहता है और वो उसके अंदर भी क्या होता है गैपिंग होता है, ठीक है ना। तो यही प्रमाण देता है कि कमरे होते थे नेचुरल और साउंड प्रूफ। कहने का अर्थ हुआ गर्मी के मौसम में ठंड महसूस और जाड़े के मौसम में गर्म महसूस, और साउंड प्रूफ का मतलब अंदर बात करे तो आवाज बाहर ना आए। कमरे में बच्चे रहते थे और आंगन में पढ़ाई करते थे। जो ये स्थान 50 साल गुरु का है बच्चे नीचे आंगन में पढ़ते थे। सिर्फ हॉस्टल नंबर 1 में सर ये बीच आंगन में स्तूपा बनाया है। नहीं ये पूरा है सर, गुरु का सीट है सर। गुरु का सीट आइए यहाँ एक से ज्यादा गुरु भी रहते थे। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, एक कमरा एक बच्चा, ठीक है ना। अच्छा। नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 बच्चे पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 गुरुजी थे। लेकिन कहीं कहीं जिक्र हुआ है सर 1500 शिक्षक का। अगर रेशियो देखा जाए तो 7 बच्चे से एक।
ये ग्राउंड लेवल है गुप्ता डायनेस्टी। हम लोग जो आए हैं हर्षवर्धन के प्लेट पे। अच्छा, तो ये प्लेट भी गुप्ता डायनेस्टी? जी, ये गुप्ता डायनेस्टी है और ये हर्षा और सीढ़ी से ऊपर पाला डायनेस्टी है। देख सकते हैं जी, पहले ये लेवल ये गुप्ता, फिर हर्षवर्धन आया तो इसको थोड़ा चेंज किया गया, सीढ़ी से ऊपर पाला डायनेस्टी। क्लियर? ये दो कमरा दिखाई दे रहा है सर, आगे का रेनोवेट है, अंदर का रेनोवेट नहीं है। ये आर्च एंगल में इस तरह से डोम शेप बोलते हैं। अच्छा, इस तरह से राउंडिंग है। क्या होता है, हमारे घर का छत इस तरह से होते हैं, पूरी छत पे लोड होती है सर, लेकिन आर्च एंगल में क्या होता है कि इस पे लोड ना होकर के ये दीवालों पे बैठ होता है। ये 1300 साल पुराना है हर्षवर्धन का, और इसका नकल हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज किया है। जो भी अंग्रेज का बनाया हुआ ब्रिज मिलेगा आपको पुल सर, सब आर्च एंगल में ही मिलेगा, डोम शेप में ही मिलेगा। हावड़ा ब्रिज देखिए, ये जो देख रहे हैं सर, ईस्ट और वेस्ट में लगाया गया है दो पत्थर। ये अजंता एलोरा से कॉन्सेप्ट लिया गया, वहाँ की भी जो कैवे थी इसी से रिफ्लेक्ट होकर के लाइटेड होता था, जस्ट लाइक मिरर सिस्टम सोलर सिस्टम। ये माइका स्टोन है और ये एक सिस्टम से सेट किया हुआ था, ठीक है ना। कॉपर प्लेट, जिप्सम वगैरह, ये सन लाइट को ये एब्जॉर्ब करके ये रिफ्लेक्ट करता था और ये मंदिर को लाइटेड करता था। अभी हम लोग सोलर प्लेट जो देख रहे हैं सर, क्योंकि उस समय बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन हमारे नालंदा में लाइट का व्यवस्था हो गया था। क्लियर है? देखने से नहीं ना पता चल रहा है, मोबाइल के लाइट ऑन करिए, देखिए अभी भी ये रिफ्लेक्ट करेगा और चमकेगा। হর্ষবর্ধন তৈরি করেছিল তাই তো? তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে কিন্তু লাইক করতে ভুলো না, আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর খুব ভালো লাগলে বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের পার্টে, ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, বাই।